नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी को राधा स्वामी सिटी वैम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे, आपने हमारी पिछली वीडियो को इतना प्यार दिया। सवाल जवाब सत्र की वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण अंश देखने से पहले शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। किसी ने बहुत सही बात कही है, जिंदगी में छोटी गलतियां हमें एक बड़ी सीख दे जाती हैं। राधा स्वामी सत्संग व्यास के सवाल जवाब सत्र कार्यक्रम में महिला संगत ने प्रमुख गुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी से निजी जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न किए, जिस पर बाबा जी ने बहुत ही सरल तरीके से उत्तर देते हुए महिला संगत की मन की शंकाओं को दूर किया। वीडियो के महत्वपूर्ण अंश RSSB चैनल से लिए गए। अगर वीडियो को आप पूरा देखना चाहते हैं उसके लिए लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो देखिए बाबा जी ने क्या उत्तर दिया। बाबा जी, आप मेरे सारे सवाल जानते हो, बस मैं उस घड़ी उस पल का इंतजार कर रही हूँ जब आप मुझे उनका जवाब दोगे। मैं तो देना ही नहीं जवाब। कोई गल नहीं बाबा जी, वो पल तक कभी आएगा ना? नहीं आएगा। बेटा देखो, जवाब अपन नु बाहरों नहीं चाहिए, अंदरों चाहिए। बेटा देखो, बाहर ना हर एक चीज का एक परस्पेक्टिव होंगे। बेटा जी, तुसी कोई सवाल किया, मैं ठीक है थोनों एक जवाब देता, उस वक्त थोनों थोड़ी जी तसली हो जूगी। थोड़ी देर बाद कोई होर आया, उन्हें दूजा पक्ष पेश करके दूजी तरह थानू समझा लिया, ठीक है ना, मन में दुविधा आ गई। मगर जो अंदरों सानू खुद महसूस होगा, उस तो बेहतर तो कोई नहीं कर सकता बेटा। सो संत महात्मा बेटा जवाब देने नू नहीं आते, वो तो सिर्फ थानू रस्ता दसन वास्ते आते हैं, जिस के उत्ते चल के थानू खुद अपने अंदरों जवाब मिलने चाहिए। अंग्रेजी का मुहावरा ना, सीइंग इज बिलीविंग, कि जिन्ना चिर थोड़ी हड्डबीती नहीं होगी तो किवें पहचान होगी। ये तो सुनिया सुनाई, असी तो अपना विश्वास सुनिया सुनाई गल्लां ते रखिया पिया बेटा। हुण सुनिया सुनाई गल्लां दे नाल अज एक पक्ष हो गया, कल नूं दूजा पक्ष हो जूगा। सो अपनी हड्डबीती सानू ओ चाहीदी है। जवाब बथेरे हैगे है, पर बाबा बथेरे जवाब दे सकदा है, मगर विश्वास आऊगा जदों थानू अंदरों जवाब मिलूगा बेटा। बाबा जी सॉरी, मैं गुस्से विच बहुत कुछ बोल देनी है थानू। वो तो ठीक है बेटा, बेटियां ने बाप नु ही बोलना, और किनु बोलना बेटा। और थैंक यू, आपने मैनु इतना चंगा जीवन साथी दिता है। ओनू नहीं कुछ कहंदी? ओनू तो मैं बहुत कुछ कहंदी हूं। ओनू भी कह लेंदी है तो बंड के क्या करना। वो भी ताडियां गल सुन लेंदा है ना मेरी सारी। वो भी सुन लेंदा है, शाबाश। अच्छा, बंड के कहंदी है? हां जी। कि मैनु ज्यादा कहंदी, ओनू घट कहंदी? नहीं नहीं, ओना नु ज्यादा ही कहंदी है। ओना नु ज्यादा कहंदी है, फिर ठीक है जी। बाबा जी, मैं 4 साल गवाते है, हुन मसी मसी तुसी लगा दिता है, पर हुन दोबारा गलती ना कराइयो। बेटा कदर करनी चाहिदी है बेटा जी, कदर करो, पति दी भी कदर करो, दूजियां दी भी कदर करो बेटा। जे मालिक ने आपां नूं इन्ना कुछ दिता हैगा तो कदर करनी चाहिदी है बेटा। और कदर करके ना, जो कदर करके हजम करके खुशी मिलेगी ना, बाकी भावे जो मर्जी हासिल कर लो उन्नी खुशी नहीं मिलनी बेटा। पहले मैं कहती थी कि मैनू कुछ महसूस नहीं हुंदा कि बाबा जी सुन रहे हैं, पर हुन सच्ची मैं थोड़े दिन ही होए शायद मैनू पैंदी नू, पर हाँ सब कुछ सुन दियो बाबा जी, बस अपना आशीर्वाद बख्शना। बाबा जी, जो मैं काम नहीं करना चाहता वो काम हो जाता है, मैं जानता ही गलत है मगर वो हो जाता है उससे। मैं मानता हूं बेटा, मन में हर एक इंसान कोई इतना ताकतवर नहीं है, हमारे में कमजोरियां भी हैं, और कई बारी मन के अधीन होके हम कई काम करते हैं बेटा, मगर साथ में हमें सोचना भी तो चाहिए ना। जी बाबा जी, सोचता हूँ मैं बहुत, कभी मुझे गलत हो जाता है। नहीं बेटा देखो, आप कभी ऐसी नौकरी करोगे जहाँ तनख्वाह नहीं मिलेगी? हम कभी ऐसा कारोबार शुरू करेंगे जहाँ पहले से मालूम है कि इसमें नुकसान ही नुकसान है बेटा? तो अगर मालिक ने विवेक दिया है तो हमें विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए ना, थोड़ा सा बैलेंस रखें। मैं नहीं कहता कि एक दिन में सारा कुछ बदल जाएगा, जैसे गाड़ी एक बारी रफ्तार में चली जाए, पहले उसको आहिस्ता करना पड़ता है, फिर उसको रोकते हैं, फिर उसको मोड़ते हैं। तो वैसे ही जिंदगी में ये नहीं हो सकता कि एकदम सब कुछ बदल जाए, पहले समझो, ठीक है ना, रफ्तार आहिस्ता करो, फिर गाड़ी को रोको और फिर उसको मोड़ेंगे। जी बाबा जी।
आज का सवाल जवाब का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करें।